मामा जी ये लूडो भी देर रद्दी में, इतना टाइम नहीं है खेले। किधर जा रहे हो? ईद मुबारक, कैसे हैं आप सब? आज ईद का फर्स्ट डे था और सुबह सुबह इतनी बारिश आई कि बच्चों का भी मज़ा ख़राब हो गया, सारा दिन ये सोए रहे। अब मामू जान ने कॉल की कि कुछ ले जाओ और पकाओ और खाओ। और ये है ईद का सेकंड डे, फर्स्ट डे तो बारिश की वजह से ख़राब हो गया। मैंने कहा सेकंड डे नहीं ख़राब करना है, तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया। बड़ी मिन्नतें करके मैंने इन्हें बुलाया है, मेहरबानी। जाओ जाओ, शाबाश भैया, खुद ही जाती हैं। तुमने देखा उसका ये हाल हुआ है? बना दे वीडियो यार, सही नहीं बन रही मेरे यार, देखो कितना मुझे लगता है चिट्टो आई है, चिट्टो टिकिया कैसी आ रही है ऐसे, सही नहीं है तो कर ले ही है यार, वीडियो बन रही है ओके नहीं गया। हां साथ ठीक है, चल यार। मावा डर रही है तुम लोगों से, दफा दे ऊपर। ये रोजाना मुझे कहते हैं आप ही हमारे ना मुर्गों की वीडियो बनाओ, और मैं बिजी होती हूँ। आज देख लो मुझे टाइम मिल गया आसमान वीडियो बनाने का। देखा कितनी समझदार है मावा। थैंक गॉड मैंने इन्हें आज बुला लिया, और आज सेकंड डे का बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, और फ्रेंड्स के साथ तो लाइफ का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ छत पे हम बैठे हैं, सेकंड पोर्शन है हमारा, ये न्यू रूम बनाया, अब इसकी सेटिंग वगैरह होने वाली है, सारी शीट्स वगैरह लगनी है, अभी बहुत काम पड़ा है घर का। तो ऊपर बैठे थे तो यहाँ पर ही हम बातें करने लग गए, फिर खाना भी मैंने यहाँ ही लगा दिया। तो ये लेकर आई है मावा, मीन इसको मैं प्यार से कहती हूँ चिट्टो, बिकॉज़ ये बड़ी माशाल्लाह से खैर। तो ये रो रही थी कि शैली ये सारा केक ख़राब हो गया, इसके ऊपर बहुत प्यारी जेली लगी थी, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना था, फ्लावर्स वगैरह लगे थे। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, वैसे ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है चिट्टो। वैसे थोड़ी देर पहले हमने खाना खाया, फुल थे, बट मैंने कहा नो, मैं सबके लिए अब केक लेकर आती हूँ। कह रही थी रहने दो, कोई मूड नहीं है खाने का, बट मैंने कहा नो, मिलके खाते हैं केक भी। और यहाँ से मैं अब निकाल रही हूँ सब तीनों के लिए, बिकॉज़ सबा और मावा आई हैं, ठीक है, तो तीनों के लिए निकाला है, बाकी फैमिली के लिए रख देती हूँ, फिर उनके साथ भी इंजॉय करूँगी मैं बाद में। आज का डे रियली बहुत ही स्पेशल हो गया बिकॉज ऑफ सबा एंड मावा। ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आईं। तो मेरे पास इस टाइम सिर्फ यही हैं अंडे, जो कि हमारी मुर्गियों के, आप मैंने पहले भी देखी, तो मैंने इन्हें कहा कि मेरी तरफ से तो ये है आप लोगों के लिए, अब देखो ये सलामत घर पर लेकर जाती हैं, ये अपने स्टाइल मारते मारते सारे ही तोड़ देंगी। चेक करें ज़रा ये बैग, मावा मैडम ने पकड़ा हुआ था, इतनी क्यूट लग रही थी जब ये एंटर हुई है, और मुझे अफसोस हो रहा है मैंने वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं, और ये सबा मैडम लेकर आई हैं, माशाल्लाह से एक दो दिन निकल जाएंगे सबा इसके साथ। खैर अच्छा, ये उस्मान और उमर के लिए मावा लेकर आई है, कह रही है उनको दे देना, जो कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है, मैं उन्हें कह रही थी मावा को यहाँ से लेने जाना है, तो वो बिल्कुल नहीं मेरा कहना मान रहे थे। चलो तुमने अब कहा है तो दे ही दूंगी, भाई है ना, दिल मुलायम हो जाता है। खैर अच्छा, अब इसके अलावा केक भी ये लेकर आई है मैडम, और ये भी छोटे छोटे ये केक्स ही हैं, दो चॉकलेट फ्लेवर में है और दो वनीला में है, और देखने में भी बहुत टेस्टी हैं, बट आज आपको पता है मैं खा खा के फुल पेट, दिल मेरा सब कुछ भर चुका है। इसके अलावा ईद है, आपको पता है वैसे कुछ खाने को नहीं दिल करता, बट फिर भी ये बहुत प्यार से लेकर आई है, तो ज़रूर ज़रूर मैंने ही खाने हैं। और ये टाइम है सुबह का,
नेक्स्ट डे तो मैंने कुछ नहीं मामा से कहा, कुछ नहीं मांगा खाने को। मैंने कहा मैंने नाश्ता करना है तो अब इसी का करना है, ठीक है, तो जिस जिसने आना है कर ले मेरे साथ। और यहाँ पर मैं खा चुकी है, मेरी मम्मा जी हाफ मम्मा जी ने लिया है, एक हाफ मैं खा रही हूँ और एक उस्मान और हाफ हाफ में, इनके जो फ्लेवर है ना दो दो थे तो हमने हाफ हाफ कर लिए, चारों ने, चार ही तो हम होते हैं। तो नाश्ते का आज इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, थैंक यू सो मच मावा। हाँ ये ले जी, मेरे तो ईद के तीनों दिन ऐसे ही गुजरे हैं, एक दिन बारिश में, एक दिन फ्रेंड्स के साथ और एक दिन वैसे ही अकेले। खैर आप लोग बताइएगा आपके दिन कैसे गुजरे, ईद कैसे गुजरी, और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। सो आज लास्ट डे है ईद का, ये इनके पैसों का भी लास्ट हुआ है कि नहीं, चलो ओपन करो ये क्या आसमान। बेटा मैंने देना भी नहीं है, मेरा ही है ये। ओ पास्ता, माय गॉड कैसा है, किसने खिलाया? मामा जान ने खिलाया, जिसके मामा जान ने बाद में पैसे ले लिए। ओके जी जी अब हम शुरू करते हैं, ये एंड है आज हमारे व्लॉग का और यहाँ से एंड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।